उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत ग्राम सभा मनसुखा के मजरा हरेडला का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक छात्र जो नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था और प्रवेश पत्र लेने के लिए विद्यालय पहुंचा, कुछ फीस बाकी होने की वजह से वहां के अध्यापक के द्वारा प्रवेश पत्र न देने पर वह बच्चा टेंशन में घर पहुंचा और घर से लापता हो गया। आपको बता दें कि विद्यार्थी का नाम अरुण कुमार पुत्र रामलाल है। वह 14 फरवरी 2020 से लापता है। इस लड़के के परिजनों ने थक हार कर 15 फरवरी 2020 को थाना गिलौला में तहरीर दी। आपको बता दें कि बच्चा अभी तक नहीं मिल पाया है और इनके परिजन परेशान है। नाम रामलाल पांडे। रामलाल पांडे जी किस गांव से हैं? जी ग्राम हरेला मौजा मनसुखा से। क्या पूरा मामला है? मामला यह है, कल शाम को जो है 5 बजे जो है हमारा एक लड़का जो है चला गया, जिसका पता नहीं चल रहा। उसका नाम क्या है और एज क्या थी? नाम अरुण कुमार पांडे है, एज उसका 16 साल। कैसे गायब हुआ? जी वो गिलौला से आया था गांव पे, गांव से इसके बाद में कुछ अपना टेंशन में था और बाहर निकला, फिर इसके बाद पता नहीं चला कहाँ गया। क्या इस संबंध में थाने पे एप्लीकेशन आपके द्वारा दिया गया? जी आज ही दिया। थाने पे क्या आश्वासन दिया गया आपको? थाने पे दिया गया है कि अब हम इसको सूचित करके और जहाँ होगा उसको खोज से निकालेंगे। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सरकार के शासनादेश के बावजूद भी इस तरह के विद्यालय के टीचर मनमानी करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों का प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे का न मिलना पुलिस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन लापता छात्र को ढूंढने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये आगे आने वाला समय ही तय करेगा। नाम अवधेश कुमार पांडे। कहाँ से रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बनियाहारी पोस्ट परिया। अभी जो पूछताछ किया गया है जिनसे, ये कौन है आपके? दारू है मेरे। अच्छा, ये लड़का जो बता रहे हैं कि गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, कुछ जानकारी देंगे आप? जी वो वहाँ विद्यालय में आया था प्रवेश पत्र लेने के लिए, प्रवेश पत्र ना देने पर उसको भगाया गया, वहाँ से मैं निकल आया। निकलने के बाद वो घर जा रहा था, घर शाम को पहुँचने पर मुझे ऐसे बात बात हुआ, वो लड़का टेंशन में था और टेंशन में होने की वजह से थे वो खेत में गया, खेत से बाहर किसी की मोटरसाइकिल से बैठकर वो बाहर आए और बाहर आने के बाद उसका लापता हुआ, उसका पता नहीं। अखंड भारत न्यूज़ के लिए दद्दन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती।